और अब बात देश के सबसे बड़े अस्पताल की करेंगे, क्योंकि देश भर से यहां पर मरीज अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं एम्स, लेकिन आज खुद बीमार है। 1800 रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है, मरीज वहां पर बेहाल हैं। आज होने वाले ज्यादातर ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं। ओपीडी के कामों पर भी भारी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि एम्स का यह दावा है कि इमरजेंसी सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ा है। रेजिडेंट डॉक्टर थप्पड़ कांड से नाराज हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आरोप है कि आई सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अतुल कुमार ने स्टाफ और मरीजों के सामने रेजिडेंट डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। रेजिडेंट डॉक्टर हिंसा का विरोध करते हुए डॉक्टर अतुल कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो दरअसल ये रेजिडेंट डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स और मरीज के बीच की कड़ी होते हैं। ऐसे में इनका हड़ताल पर जाना मरीजों को काफी परेशानी में डाल रहा है। कई ऐसे ऑपरेशन हैं जो रद्द कर दिए गए हैं, कई इमरजेंसी ऑपरेशन होने होते हैं जिनकी वजह से भी मरीज बेहाल दिखाई दे रहे हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि आई सेंटर के जो हेड हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो कई ऐसे मरीज हैं जो दूर दराज के राज्यों से यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां आने पर उन्हें यह पता चला कि आज ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। अब उन्हें पता नहीं है कि आगे की तारीख कब मिलेगी। पूरा बंद है, सिक्योरिटी लोग बोला कि आज कुछ नहीं होगा, आप लोग चला जाइए। हम बोला हम लोग कलकत्ता से आया है, हमारा पेशेंट को प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट दिखाना है, तो हम लोग को 2-3 दिन के लिए ट्रेन का ये है, सैटरडे बंद है, संडे बंद है, तो कृपया करके मेरे को कार्ड बना के दीजिए। बोला हम लोग 2 दिन के लिए आया है, ये आपका बेटा है, इनका प्लास्टिक सर्जरी करवाना है, तो आपको ओपीडी से एक्सेस ही नहीं मिला? एक्सेस नहीं मिला हमको, मेरा को कार्ड भी नहीं बना, पीआरसी भी बंद है, मेरे को कोई उपाय नहीं है, हमको चला जाना ही पड़ेगा। मैं आँख के ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ आया था, आज की भर्ती होने का डेट था लेकिन आज नहीं हो पा रहा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या डॉक्टर का बंद है पड़ा हुआ। ईएनटी का ऑपरेशन होना था, आज था? नहीं, डेट दे रखी थी उसके लिए बुलाया गया था, अपॉइंटमेंट दे रखा था उन्होंने जी। लेकिन यहाँ इतना अफरा तफरी का माहौल रहा, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि कुछ डॉक्टरों में मारपीट या झगड़ा आपस में हुआ। आज आपका अपॉइंटमेंट था? जी जी जी। तो आप अमरोहा से जब इतना दूर आए हैं, आप वापस आपको जाना पड़ेगा? अब उन्होंने ये बता दिया कि हड़ताल का कुछ पता नहीं कब खत्म होगी, या जो नेक्स्ट डेट होगी उस पर आइएगा जब पता चल पाएगा। लखनऊ से आई हूँ पीजीआई से, वहाँ से रेफर किया, यहाँ ले नहीं रहे हैं, और इतनी परेशानी है, आज का डेट था वो ले नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हो? क्या चीज का डॉक्टर? क्या कह रहे? डॉक्टर देखे ही नहीं, क्या बताएं क्या कह रहा है। बोल रहा है कल आओ परसों आओ, आज 1 महीना 1.5 महीना हो गया और 2 महीने से यहाँ पर है, रोज आजकल लगा रहा है यही है। हड़ताल का पता था? हड़ताल का कल तो बोले कि कल 8-9 बजे तक आ जाओ, और आज आए तो आज कोई नहीं ले रहा है। मेरा कान का ऑपरेशन था। जब ऑपरेशन करवाने के लिए आए आपको डेट दिया गया था? हाँ, आज का डेट था आज का। क्या बोला जब आप आए? बोला कि हॉस्पिटल बंद है, डॉक्टर कोई नहीं काम करेगा, कितना दिन तक हड़ताल रहेगा हम नहीं जानते हैं, डॉक्टर यही सब बता रहा था। आपने बोला नहीं कि आपको डेट दिया गया इसीलिए आप आए, तो आप क्यों आप... तो हड़ताल है, हड़ताल में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कहाँ से आए? पटना से। आप क्या करेंगे? आप घर नहीं जाएंगे, अभी 1 हफ्ता से यहाँ रहे हैं, चेकअप करवाए, उसके बाद अब आज का डेट था तो आज नहीं जाएगा तो घर नहीं जाएंगे, क्या करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।